क्या आप जानते हो यूएसए में लोअर क्लास के लोग हर साल $400 यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 30,000 रुपए लॉटरी टिकट में खर्चा करते हैं। और साल के कोई भी टाइम वो लोगों के पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती। इनफैक्ट उनमें से आधे लोगों के पास इमरजेंसी के लिए $400 भी बचे नहीं होते। अब आप मुझसे कहोगे कि वो लोग लॉटरी टिकट्स में खर्चा करने की जगह उन पैसों को सेव क्यों नहीं कर लेते, लेकिन उनके हिसाब से उनकी लाइफ और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ वो लॉटरी की बदल सकती है, मतलब लक। और उनको लगता है कि वो हार्ड वर्क करके कभी अमीर नहीं बन सकते। उनको ऐसा लगता है कि अमीर बनना मतलब लकी होना। तो बेसिकली वो लॉटरी टिकट्स उनको उम्मीद और सपने दिखाती है। अब दोस्तों आप में से बहुत लोग कहोगे कि ये कितनी फालतू सोच है, क्योंकि हमें पता है लॉटरी जीतने के चांसेस कितने कम होते हैं। और अपनी लाइफ को पूरी तरह लॉटरी टिकट्स में छोड़ देना मतलब करोड़ों में से एक आदमी को सक्सेस मिलेगी, तो क्या बाकी सारे लोग वैसे ही गरीबी में जिएंगे? लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप उन लोगों को समझाने जाओ तो उल्टा आपको बेवकूफ समझेंगे और शायद वो लोग आपको गलत बोल के रिटर्न में आपको बुरा फील करा देंगे, जबकि आप तो उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे। दोस्तों इसीलिए ये बुक से हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिलते हैं, वो ये कि हम इंसान लॉजिकल नहीं है, हम साइकोलॉजिकल है। क्योंकि दोस्तों सबको यही लगता है कि आज की तारीख में वो एकदम परफेक्ट फैसला ले रहे अपनी लाइफ के लिए, लेकिन फिर भी जब कुछ साल गुजर जाते हैं और जब लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो वही सोचते हैं कि काश उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया होता तो उनकी लाइफ कुछ और होती। और दोस्तों जब बात फाइनेंशियल डिसीजंस की आती है तो चाहे वो अमेरिका के लोअर क्लास के इनकम वाले लोग हो या इंडिया के मिडिल क्लास या दुनिया में कोई भी अमीर इंसान, हम ज्यादातर फैसले इमोशंस यानी जज्बात के बेसिस पर लेते हैं, जैसे डर या लालच, और फिर उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते कि हमारा फैसला लॉजिकली बिल्कुल सही है। दोस्तों इसकी एक वजह ये होती है कि हमें कुछ चीजें कुछ सालों बाद सीखने मिलती है जो हमें पहले सीखनी चाहिए थी। इसलिए दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन इस बुक से शेयर करने वाला हूँ जो हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत फैसले लेते हैं जिसको आज सुधार कर आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों एक तरफ होती है लग्जरी कार्स, बढ़िया सा घर, इंस्टा पे वेकेशन की फोटोज, दोस्तों ये सब चीजें हमें क्लियरली दिख रही है, और दूसरी तरफ उस घर का या कार का लोन का ईएमआई, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस और उसकी स्ट्रेस की वजह से उसके घर के रोज के फाइट्स, ये सब चीजें हमें नहीं दिखती। तो जो हमें दिखता है वो अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होता है, लेकिन जाने अनजाने में ये चीजें हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं जैसे उसके पास कोई लग्जरी कार हो या कोई वेकेशन पे जाओ, तो हम भी यही सोचते कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, काश मैं भी इसी जगह घूम पाता, इतनी मस्त लाइफ है। अब हम ये नहीं सोचते कि वो लोगों की लाइफ एक्चुअली में मस्त है या नहीं, हम उन लोगों की लाइफ से सिर्फ फ्लैशी और ऐसी ब्राइट चीजें ढूंढ के पिक करते हैं। और दोस्तों हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि जिस वजह से उस आदमी ने कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन एक्चुअली में लोग उसकी नहीं बल्कि उसकी कार की इज्जत कर रहे हैं। दोस्तों क्योंकि जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि वाह क्या कार है, हम कभी ऐसा नहीं कहते कि वाह क्या आदमी है। और इसी वजह से लोगों के दिमाग में परसेप्शन बैठ गया है कि अमीर मतलब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ वो होती है जिससे हम आजादी की जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम पैसे से खरीद सकते हैं तो वो है हमारा खुद का टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं, क्योंकि आप पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो और उस काम को आप पसंद भी नहीं करते, तो आपके इतने अमीर होने का फायदा क्या? दोस्तों इसीलिए इस बुक के ऑथर हमें ये कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। तो अगर आप किसी आदमी के पास कोई अच्छी कार देखते हो, जैसे मान लो 50 लाख रुपए की है, तो आप उससे ये नहीं पता लगा सकते कि वो आदमी एक्चुअली में वेल्थी है या नहीं, लेकिन उससे हमें ये चीज जरूर पता चलती है कि उसके धन में से 50 लाख रुपए कम हो गए। लेसन नंबर 2, यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। दोस्तों मान लो आपको एक कार खरीदनी है और उसका प्राइस है 12 लाख रुपया, तो आपके पास अभी 3 ऑप्शन है। पहला, आप 12 लाख रुपए पे कर दो। दूसरा, अगर आपको उतना खर्चा नहीं करना तो आपको इस सस्ती कार ढूंढ लो। तीसरा, किसी दूसरे आदमी की कार चुरा लो। अब दोस्तों 99% लोग कार चुराने वाला ऑप्शन नहीं चुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल तो कार मिल जाएगी लेकिन उसके बदले आगे जाके फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो उसके बेनिफिट जो हमें क्लियरली दिख रहे हैं वो उसके नुकसान से काफी छोटे तो फिलहाल नहीं दिख रहे, लेकिन अगर कोई आदमी गाड़ी चुराता है तो हम उसको ये कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया, फिर चाहे उसको कोई सजा मिले या नहीं मिले, क्योंकि हमें ऐसी चीजें दिख रही है जो उस आदमी को नहीं दिख रही। इसीलिए हम 99% लोग गाड़ी को चुराना नहीं पसंद करेंगे, फिर भले हम कोई सस्ती या सेकंड हैंड कार ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है नथिंग इज फॉर फ्री। उसी तरह जब आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होगा यानी अच्छा रिटर्न मिलेगा, जैसे ऑथर कहते हैं इंडेक्स फंड में या डायरेक्ट स्टॉक्स में, लेकिन उसके लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा, उसका प्राइस वही है और ये प्राइस आप डॉलर या रुपीस में नहीं पे करोगे, बल्कि डाउट अनसर्टेंटी थोड़ा टाइम देके उसके बारे में सीख कर पे करोगे, लेकिन उसके बदले में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने पैसों को कोई सेफ जगह पर रख दो जहां आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे, जैसे बैंक एफडी में या गोल्ड में, तो उससे आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी लेकिन उसके बदले में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा और वही उसका प्राइस होगा। तो इसी तरह ये ऑप्शन में आप खराब रिटर्न्स लेकर इसका प्राइस पे करते हो। अब दोस्तों यहाँ पे सच बात ये है कि मैक्सिमम लोग ये दूसरा ऑप्शन चुनते हैं जिसको मॉर्गन हाउसेल इस बुक के ऑथर कार चुराने वाले ऑप्शन जैसा कहते हैं, और उसका सिंपल रीजन ये है कि बहुत से लोग अपने घर के लिए, अपने घर के डेकोरेशन के लिए, वेकेशन पे जाने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं, लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए इतना खर्चा नहीं करते, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस उन्हें क्लियरली दिख नहीं रहा और उन लोगों के लिए वो दिखाने वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे घर, गाड़ी या फिर फिक्स डिपॉजिट का फिक्स इंटरेस्ट। और आपके रोज के बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक मार्केट या इंडेक्स फंड से आपको अपना फ्यूचर इतना क्लियरली दिख नहीं रहा, इसीलिए लोग ये ऑप्शन चुनते नहीं है। उसी तरह जिस तरह कार चुराने वाले को उस कार की चुराने की असली कीमत नहीं दिख रही। और दोस्तों ऑथर यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग व्हिच ऑलवेज टेक्स टाइम, बट डिस्ट्रक्शन इज ड्रिवन बाय सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर व्हिच कैन हैपन इन सेकंड्स। यानी आपके पैसे धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन बर्बादी रातों रात हो सकती है। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है, पैसों को बराबर हैंडल नहीं करना और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना। और इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर रहना है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उसे कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है, लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। इसलिए आपको अमीर बनना और अमीर रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए, लेकिन अगर आप शुरुआत से ही थोड़ी बहुत सेविंग्स करके इन्वेस्ट करते हो और उसके थ्रू अमीर बनते हो तो चांसेस है कि आपको वही माइंडसेट अमीर रखेगा। और इसलिए आज दुनिया के 90% से ज्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड है और दुनिया के 70% से ज्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर ऑफिस से गरीब बन जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए, इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है।
सबसे पहला एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, मतलब आप अपने आपको मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि मार्केट साइकिल से आपको कुछ फर्क ही ना पड़े। जब आप रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि इसमें मार्केट साइकिल्स होते हैं और इसका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, और जब प्राइस गिरता है तो हम उसे बेचते नहीं है, हम और ज्यादा खरीदते। उसी तरह हमें यही लॉजिक यूज करना चाहिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में कि आपको मार्केट साइकिल से डरना नहीं है, आपको उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। दूसरा, अ गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर, यानी आप जब भी कोई प्लानिंग करते हो तो उसमें इस बात पे भी गौर करो कि अगर वो इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक नहीं होता है तो आप क्या करोगे, यानी आपका प्लान भी क्या होगा। पर इन्वेस्टिंग की दुनिया में हम इसीलिए पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं 10-15 कंपनीज का और इमरजेंसी फंड साइड में रखते हैं। तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट योर ऑब्स्टेकल्स टू सक्सेस, यानी आपको फ्यूचर को लेकर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट और सावधान रहना चाहिए कि उसमें कोई खतरा तो नहीं है। जैसे ऑथर ने हमें यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिए। सबसे पहला, रोनाल्ड रीड का, आप ये नाम गूगल करके सर्च कर सकते हो। ये आदमी ने पूरी जिंदगी सिर्फ चौकीदारी की नौकरी की है, लेकिन उसके मरने से पहले उसके पास $8 million जमा थे, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 55 करोड़ रुपए होते। अब कोई आदमी छोटी मोटी नौकरी से इतने सारे पैसे कैसे जमा कर सकता है? तो उसका आंसर है सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की आदत डाल के। और दूसरी तरफ दूसरा एग्जांपल है रिचर्ड फ्रिस्कॉन का, जो दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, दुनिया के सबसे टॉप कंपनीज मेरिल लिंच में काम करता है और एक अच्छी पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव बनता है, लेकिन उसने कर्ज की और खर्चा करने की इतनी आदत डाली जिसकी वजह से 2008 में उसे बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। दोस्तों, गरीबी से पूरी चीज क्या होती है, वो ये कि आप अमीर बने और फिर वापस गरीब हो गए। तो इसीलिए अगर आप अपने दम पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसे मैनेज नहीं कर सकते तो आप 10 करोड़ रुपए मैनेज नहीं कर सकते। और इससे हमें ये चीज पता चलती है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, आपकी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पैसा मैनेज नहीं करना आता। क्योंकि गरीब लोगों की सोच हमेशा ये होती है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा तो हम उसे मैनेज करना सीखेंगे, लेकिन अमीर लोगों की सोच ये होती है कि जब हम थोड़े पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। लेसन नंबर 4, सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो सेव करते, दूसरे जिन्हें लगता है वो सेव नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है उनको सेव करने की जरूरत नहीं। आई एम श्योर आप तीसरी कैटेगरी में नहीं आते हो क्योंकि आप ये वीडियोस देख रहे हो। दोस्तों, हम सेविंग्स के बारे में बहुत सुनते हैं, आपको बचपन से आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि पैसे सेव करा करो, लेकिन ये सेविंग्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक रुपया जो आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो वो आपका फ्यूचर का वो टाइम खरीदता है जो शायद किसी और ने खरीद के रखा था। तो इसलिए ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम भी हो तो भी आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग्स करते ही नहीं हो तो आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। लेसन नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉर्गन हाउसर के लाइफ टिप्स। सबसे पहला, अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लो, ये सोच के नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या किसी ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। एडवाइस नंबर 2, लिव बिलो योर मींस, क्योंकि सबसे बुरी चीज अगर आप कोई कर सकते हो तो वो ये है कि आप अपने फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्चा कर दो। एडवाइस नंबर 3, डिराइव प्लेजर फ्रॉम फ्री और लो कॉस्ट एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट, लर्निंग, क्योंकि जिंदगी के असली मजे फ्री और छोटी मोटी चीजों में जो रोज होती है, और इससे आप हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे और वाइज भी रहोगे। एडवाइस नंबर 4, मेंटेन 20% ऑफ कैश एज इमरजेंसी, वो इसलिए क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम पैसे में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। एडवाइस नंबर 5, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरीली, आपकी एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही ग्रो होगी कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आप उसे बिना रोक टोक के कंपाउंड होने दो। एडवाइस नंबर 6, एवरी इन्वेस्टर शुड पिक अ स्ट्रेटजी दैट हैज द हाईएस्ट ऑड्स ऑफ सक्सेसफुली मीटिंग देयर गोल्स, और ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड लोगों के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। एडवाइस नंबर 7, 3 की एलिमेंट्स ऑफ हाउसर्स अप्रोच, अ हाई सेविंग्स रेट, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि उनको करोड़पति लोगों वाली लाइफ जीनी है, दुनिया में बेहतरीन जगह घूमना है, लेकिन एक्चुअली में उनके बोलने का मतलब ये होता है कि उन्हें करोड़ रुपया खर्चा करना है, जो उनकी कही हुई बात से बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि अगर आप अपना करोड़ रुपया खर्चा कर दोगे तो करोड़पति कैसे कहलाओगे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो